दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बैंक ऑफ बड़ौदा के इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट पे, जो कि न्यूली लॉन्च हुआ था। जिस दिन लॉन्च हुआ था उसी दिन मैंने वो वीडियो बनाया था, जिसमें आप लोग को बताया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप लोग जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो ऑनलाइन घर बैठे, तो कैसे आप लोग अपने मोबाइल से ही मात्र 5 मिनट के अंदर अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में ओपन कर सकते हो, जिसका नाम दिया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट। तो उस वीडियो का करीब अभी तक 18,000 व्यूज आ चुके हैं, जिसमें आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट भी किए। लेकिन काफी सारे लोग कमेंट में यह कह रहे थे कि यह इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट है, ये एक वॉलेट अकाउंट की तरह है, इसमें डेबिट कार्ड, साथ ही पासबुक और चेकबुक नहीं दिया था। जबकि मैंने वीडियो में साफ साफ बताया था कि इसमें आप लोग को डेबिट कार्ड भी मिलेगा, चेकबुक भी मिलेगा, पासबुक भी मिलेगा। तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने आप लोग को ये स्क्रीन शॉट दे दिया है। काफ़ी ये भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई तेरे को नॉलेज बहुत ही कम है, अपने नॉलेज को बढ़ा, और ये एक वॉलेट अकाउंट है, इसमें डेबिट कार्ड और पासबुक नहीं मिलता। तो आज की वीडियो मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि जी हाँ, मेरा डेबिट कार्ड आ चुका है। अभी करीब 10 से 12 दिन लगा मैक्सिमम, डेबिट कार्ड आ चुका है। एक्चुअली ये मैंने अपना अकाउंट ओपन नहीं किया था, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले से ही रेगुलर सेविंग अकाउंट है। तो इसका एक रूल भी है इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट का, अगर आप लोग का बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले से कोई भी रेगुलर या फिर कोई भी सेविंग अकाउंट है, तो आप लोग ये इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप लोग का पहले से कोई अकाउंट नहीं है तो ये आप लोग इस अकाउंट को ओपन कर सकते। तो इसीलिए मैंने अपने एक फ्रेंड का ओपन किया था, तो डेबिट कार्ड आ चुका, तो मैंने उससे बोला कि भाई एक वीडियो बनाकर सेंड कर दो, क्योंकि काफी सारे लोग कमेंट बॉक्स में गंद मचा रहे थे। तो मैंने सोचा कि भाई आप लोग को वीडियो बनाकर दिखाना जरूरी है, अनबॉक्सिंग वीडियो के रूप में मैं आप लोग के सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोग एक वीडियो देखिए, जिसमें आप लोग को एक रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं इसके फीचर्स के बारे में आप लोग को बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ने टेक्नो बैंकिंग के थ्रू अपना अकाउंट ओपन किया था, और ये हमारे पास जो इसकी एटीएम किट है आफ्टर 10 डेज के बाद आ गई है, तो इसको हम लोग खोल के दिखाते हैं। तो ये है ओपनिंग किट, जो है वेलकम किट, और इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमें ये इतनी चीज़ें देखने को मिली थी। ये सबसे पहले तो ये है, ये रुपए के इसके बारे में बताया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्ड संबंधी नियम और शर्त गाइडलाइंस दी गई है इसमें, ये सारी अंदर गाइडलाइंस हैं से रिलेटेड। और ये स्मार्ट बैंकिंग बुकलेट है, इसमें नॉर्मल बुकलेट दिया हुआ है। और ये भी है कोड ऑफ बैंक, टर्म एंड कंडीशंस। फाइनली ये एटीएम कार्ड आया है, ये एटीएम कार्ड है, ये मैंने सिक्योरिटी रीजन से इसको ब्लर कर दिया है। तो हमारे इसमें ये बस इतनी ही चीज़ें हैं वेलकम किट में। तो जी, अनबॉक्सिंग आपने देख लिया है, जिसमें आप लोग को एक रुपए डेबिट कार्ड मिल जाएगा। जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट में अधिकतर रुपए डेबिट कार्ड ही मिलता है। दोस्तों, ये जो भी महाकाल ब्रदर्स गामा वाले जो भी ये कमेंट किए हैं, इनके ऊपर एक कहावत बहुत ही सटीक बैठती है कि अधजल गगरी छलकत जाए। हमारे यहाँ एक कहावत प्रसिद्ध है, जैसे इसका मतलब यही हुआ कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। दोस्तों, इसके साथ ही काफी सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बोल रहे थे कि इसमें यानी कि इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट में फुल केवाईसी कंप्लीट कराने के बाद ही डेबिट कार्ड मिलेगा। तो जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो मेरे फ्रेंड का डेबिट कार्ड आया है, अभी उसने अपनी फुल केवाईसी कंप्लीट नहीं की है, तो इसका मतलब ये है कि आपको आपका डेबिट कार्ड बिना फुल केवाईसी कंप्लीट कराए ही मिल जाएगा। यानी कि जिस दिन भी आप लोग अपना अकाउंट ओपन करते हो इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस ऑनलाइन, उसके लगभग 15 दिनों के अंदर ही, माने कि 15 दिनों के अंदर ही आपका डेबिट कार्ड आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। इसके लिए आपको फुल केवाईसी कंप्लीट कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं चेकबुक और पासबुक के बारे में। तो चेकबुक और पासबुक तभी आपको मिलेगा जब आप अपना फुल केवाईसी कंप्लीट कराएंगे। तो डेबिट कार्ड तो बगैर फुल केवाईसी के मिल जाएगा, लेकिन चेकबुक और पासबुक आपको फुल केवाईसी कंप्लीट करानी ही पड़ेगी, क्योंकि चेक
चेकबुक और पासबुक में आपके चाहिए होते हैं सिग्नेचर, और सिग्नेचर तो अभी आपका इसमें अपलोड हुआ नहीं है। जब आप लोग अगर इंस्टाक्लिक अकाउंट ओपन किए तो वहाँ पर प्रोसेस में आप देखेंगे कि वहाँ पर कहीं भी सिग्नेचर अपलोड करने का कोई प्रोसीजर नहीं था, तो इसीलिए बगैर सिग्नेचर के आप लोग को चेकबुक और पासबुक नहीं मिलेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो जो भी फैसिलिटी आपको जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट में मिलती है वो सारी फैसिलिटी आपको इस जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट साथ ही डेबिट कार्ड में दी जाएगी। जैसे कि यूपीआई, अगर आप लोग देख रहे होंगे यूपीआई में महीने का सिर्फ 4 ट्रांजेक्शन ही फ्री है, उसके बाद अगर आप लोग कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो पर ट्रांजेक्शन 17 रुपया प्लस GST आपसे लिया जाता है। तो ये सब चीज़ों का आप लोग जरूर ख्याल रखोगे। साथ ही इसमें जो आपको अदर बैंक ATM ट्रांजेक्शन की फैसिलिटी मिलती है वो आपके बैंक से 5 ट्रांजेक्शन मिलती है, साथ ही अदर बैंक से आपको 3 ट्रांजेक्शन की फैसिलिटी महीने की मिलती है। तो ये सब चीज़ों का आप लोग ख्याल रखोगे तो आप लोगों को कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना सही। आप लोग के सामने ये ATM का अनबॉक्सिंग करना था, साथ ही कुछ लोगों को जवाब भी देना था, क्योंकि जवाब देना बहुत ही जरूरी हो गया था। कमेंट बॉक्स में ये लोग बहुत ही ज़्यादा गंद मचा रहे थे, तो जवाब भी देना जरूरी हो गया था। मैं ऐसे कुछ वाहियात कमेंट नहीं करता, मैं अपने काम से ही आप लोगों को जवाब देता हूँ। तो इसीलिए ऐसे लोगों से मेरा एक बार हाथ जोड़ के अपील है कि कुछ भी कमेंट करने से पहले भाई एक बार तू अपनी जानकारी अच्छे से जुटा ले, उसके बाद कहीं किसी के भी, मेरे ही नहीं किसी के भी वीडियो में कमेंट करने से पहले, इस तरीके का कमेंट करने से पहले एक बार तू अपनी पूरी जानकारी जुटा ले, तेरे अंदर क्या ज्ञान है उसको तू जुटा ले, उसके बाद ही तू कहीं कमेंट कर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना सा ही। आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही मैं बोल गया तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि क्या कर सकते हैं, कुछ लोग जो है ऐसे कमेंट करते हैं कि बर्दाश्त ही नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आएगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देना। इसके साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।